और पूरा देश जानता है कि दंगा कराने की मास्टरी किस पार्टी के पास है। दंगा कराने के मास्टर्स बता रहे हैं कि कौन दंगा करा। कुछ मुद्दों की बात होनी चाहिए। मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो करैक्टर है वो एजुकेशन के खिलाफ है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी शिक्षा को महंगी क्यों रखना चाहती है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, और ये मुद्दे की बात है इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी क्यों नहीं चाहती कि दिल्ली और देश के हर बच्चे को अच्छी और सस्ती एजुकेशन मिल सके। बीजेपी सस्ती शिक्षा के खिलाफ क्यों है? बीजेपी जब जब दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है हमारी, दिल्ली के बच्चों को अच्छी और सस्ती शिक्षा देने के लिए एक मिशन मोड में काम कर रही है, तो उस वक्त बीजेपी के नेता और खास तौर पर दिल्ली बीजेपी के नेता शिक्षा को महंगी करने की साजिश क्यों रचते हैं? आज मैं इस मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूं, और मैं बीजेपी के नेताओं से सवाल भी करना चाहता हूं कि बीजेपी, जितने मैंने सवाल किए कि बीजेपी के नेता जवाब दें, बीजेपी के चुनाव प्रभारी भी जवाब दें क्योंकि वो चुनाव लड़वाने के लिए जिम्मेदार हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी जवाब दें कि वो शिक्षा को महंगा रखने की साजिश क्यों रचती है, क्यों दिल्ली। मैं आपके सामने अभी कुछ चीज़ें रखूंगा कि किस तरह से दिल्ली में बीजेपी के नेताओं ने शिक्षा को महंगा करने की साजिश रची। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप में से बहुत पत्रकार आए होंगे, उसमें 22 जून को तालकटोरा त्यागराज 22 जून को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में प्रोग्राम किया था, जिसमें दिल्ली के करीब 1000 से ज्यादा ऐसे बच्चे जिन्होंने 90% एंड अबव स्कोर किया था, उनके साथ मुख्यमंत्री जी ने संवाद रखा था। डेट याद रखिएगा, 22 जून को वहां 12वीं टॉप करने वाले बच्चों ने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा था कि साहब हम परिवारों गरीब परिवारों से आते हैं, हमारे सामने आपने इतनी अच्छी अच्छी स्कीम लाई है, एजुकेशन को इतना अच्छा किया है, तो ये जो फीस हमें देनी पड़ती है CBSE की, इसको माफ़ क्यों नहीं कर देते? ये 450 रुपये की फीस देनी पड़ती है, उस वक्त 450 रुपये की फीस थी। कि जी 450 रुपये की फीस भी हम कहाँ से लाएं, हमारे परिवारों के पास पैसा नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी ने उसी वक्त 10वीं और 12वीं के CBSE के बोर्ड की फीस दिल्ली सरकार की ओर से देने का ऐलान किया था। ये 22 जून की घटना है, और उसके एक महीने के अंदर अंदर बीजेपी बौखला गई इस अनाउंसमेंट से। क्यों बौखलाई? क्योंकि दिल्ली में CBSE के सबसे ज्यादा स्कूल दिल्ली में, बाकी राज्यों में तो प्राइवेट स्कूल हैं छोटे छोटे संख्या में, बाकी वहां के बोर्ड हैं। दिल्ली के अंदर कुल मिला के देखें तो 44 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 10th और 12th में किसी एट एनी पॉइंट टाइम 6 लाख बच्चे होते हैं। तो दिल्ली सरकार की इस केजरीवाल जी के इस कदम से कि 10वीं और 12वीं के बच्चों की गवर्नमेंट स्कूल के, एडेड स्कूल के, अभी तो NDMC का भी अनाउंस कर दिया, करीब 3.5 लाख 4.25 लाख बच्चों को फायदा होने वाला था। अब ये घबरा गए कि अगर इतनी सस्ती शिक्षा क्वालिटी तो हो ही रही है, मिली तो पता नहीं क्या होगा, और यहीं बीजेपी का करैक्टर साफ सामने आता है। मुझे बताया गया कि बीजेपी के नेता तुरंत हरकत में आए, यहां बोले जी इससे तो बहुत पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा अगर इतनी हुई, और इन्होंने तुरंत साजिश रची और CBSE को इन्होंने फीस बढ़वाने पे मजबूर किया। इन्होंने तुरंत जो CBSE की फीस 450 रुपये थी उसको SC ST के लिए उन्होंने करा दिया 1950 रुपये, और सॉरी जनरल कैटेगरी के लिए 1950 रुपये, और SC ST के लिए 1650 रुपये। जब दिल्ली सरकार ये कह रही थी कि फीस सरकार देगी, और बच्चे ये कह रहे थे कि जी बड़ा मुश्किल हो रहा है फीस भरना हमारे लिए, उस वक्त दिल्ली के बीजेपी के नेताओं के कहने पर
सीबीएसई की फीस 4 गुना क्यों बढ़ाई गई? आज बीजेपी के नेता इस बात का जवाब दें, आज जवाब दें बीजेपी के नेता, क्योंकि वो दिल्ली के 6 लाख बच्चों, 6 लाख परिवार जिनके बच्चे 10वीं या 12वीं में पढ़ रहे थे उनके ऊपर कुठाराघात था। बीजेपी नहीं चाहती थी कि इस तरह की मदद दिल्ली के बच्चों को मिले, तो गवर्नमेंट स्कूल, एडेड स्कूल, एनडीएमसी के स्कूल, लोकल बॉडीज के स्कूल जितने थे 10th और 12th के कैंटोनमेंट सहित, उसमें तो मुख्यमंत्री जी ने, केजरीवाल जी ने आगे करके करीब 3.5-4 लाख बच्चों के लिए मदद के लिए तुरंत काम उठाया। लेकिन आप देखिए कि इसका नुकसान तो प्राइवेट स्कूल के परिवारों को भी हुआ। दिल्ली के 6 लाख परिवारों के ऊपर अचानक 4 गुना फीस का बोझ डालना, यह दिखाता है कि बीजेपी महंगी शिक्षा की पक्षधर है। यह दिखाता है कि बीजेपी दिल्ली में जब सस्ती और सुलभ शिक्षा और अच्छी शिक्षा के लिए मिशन मोड पर काम किया जा रहा है, तो साजिश के तहत सिर्फ 1 महीने के अंदर कभी फीस नहीं बढ़ाई गई इस तरह से, 4 गुना फीस बढ़ाने का क्या मतलब था? आप 50 रुपये 100 रुपये बढ़ाते हैं, हम सोचते हैं कि कोई नॉर्मल एनहेंसमेंट हो रहा है, 4-4 गुने से ज्यादा फीस बढ़ाई गई। यही बीजेपी के इस कैरेक्टर को दिखाता है कि कैसे 6 लाख विद्यार्थियों के ऊपर गाज गिराने की तैयारी थी, वो तो दिल्ली सरकार ने समय रहते, क्योंकि तैयारी कर ली और सभी बच्चों की फीस जो गवर्नमेंट में करीब 4.5 लाख बच्चों की फीस तो भर दी थी। पर मैं बीजेपी के नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि भाई आपको सस्ती शिक्षा मिलने में दिक्कत क्या है? आप शिक्षा को देश सेवा का काम मानते हैं, धंधा मानते हैं? आप शिक्षा को ये मानते हैं कि पेरेंट्स की लूट मचा ली जाए या सरकार की जिम्मेदारी मानते हैं? क्यों आप महंगी शिक्षा के पक्षधर हैं? क्यों बीजेपी के नेताओं ने फीस बढ़वाई जबकि दिल्ली सरकार, और सीबीएसई का मतलब लार्जली दिल्ली है, बाकी देश भर में तो प्राइवेट स्कूल है थोड़े थोड़े, उनके बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी स्टेट बोर्ड्स के हैं, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल प्राइवेट स्कूल सारे जो स्कूल हैं। तो दिल्ली के 6 लाख परिवारों के ऊपर, और मैंने इसका कैलकुलेशन किया, करीब 100 करोड़ का बोझ डाला गया, डालने की कोशिश की गई। तो आज बीजेपी के नेता जवाब दें कि 6 लाख परिवारों के ऊपर 100 करोड़ का बोझ क्यों डाला गया? जो लोग अपने बच्चों की मेहनत करके, अपनी मेहनत की कमाई से या किसी तरह से बचत करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बीजेपी के नेता जवाब दें। यही प्रकाश जावड़ेकर जी जो आज बात कर रहे थे, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आप भी देश के शिक्षा मंत्री रहे हैं, आप एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं, आपने क्या किया दिल्ली के बच्चों के एजुकेशन के लिए? आपने सिर्फ जब, अब तो वो मंत्री नहीं है उसके, लेकिन जिस वक्त दिल्ली की सरकार सस्ती एजुकेशन देने के अपने वादे पे काम कर रही थी, अपने कमिटमेंट पे, मिशन पे काम कर रही थी, उस वक्त साजिश करके आप बच्चों के ऊपर, परिवारों के ऊपर बोझ डालते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। और मुद्दा ये है दिल्ली का, मैं आपके बीच में ये रखना चाहता था, मैं इसके पूरे फैक्ट्स आपको दे दूंगा। इसके साथ ही प्रकाश जावड़ेकर का आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो भी हाल ही में हिंसा हुई है उसमें आप और कांग्रेस दोनों के नेताओं का नाम लिया है, लेकिन साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का अमानतुल्ला खान और सीलमपुर में जिस तरीके से हिंसा हुई वहां पर भी आम आदमी पार्टी के नेता शामिल रहे। देखिए, हम तो पहले से कहते रहे कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से दंगों के खिलाफ है, और पूरा देश जानता है कि दंगा कराने की मास्टरी किस पार्टी के पास है। दंगा कराने के मास्टर्स बता रहे हैं कि कौन दंगा करा रहा है। चुनाव के पहले मुद्दों से ध्यान भटकाने के अलावा ये कुछ नहीं है, ये एक घिसा पिटा टेप रिकॉर्डर रिकॉर्ड है जिसको बीजेपी कई टेप रिकॉर्डर से पहले बजा चुकी है। आज उन्होंने इतना ही किया है कि एक नए टेप रिकॉर्डर से उस पुराने टेप को प्ले किया है। तो पुराने टेप को नए टेप रिकॉर्डर से प्ले करवाने से मुद्दा नहीं बन जाता है। मैं प्रकाश जावड़ेकर जी को कहना चाहता हूं, दिल्ली में पुराने टेप नहीं चलेंगे, दिल्ली का चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाएगा, और मुद्दा शिक्षा है। मुद्दा यह है कि प्रकाश जावड़ेकर जी जवाब दें कि उनकी पार्टी दिल्ली के 6 लाख परिवारों पे फीस बढ़वाने की साजिश क्यों रच रही थी, क्यों उन्होंने फीस बढ़वाई, क्यों उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल सबके बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर फीस का बोझ डाला। दिल्ली के, इसीलिए मैंने कहा कि 2 लाख परिवारों को भी जवाब दिल्ली सरकार ने दे दिया, वो भी लोगों की किटी से ही गया है, 100 करोड़ का बोझ क्यों डाला उन्होंने दिल्ली के पेरेंट्स पे, इस बात का जवाब दे। बीजेपी बताए कि वो अच्छी और सस्ती शिक्षा के खिलाफ क्यों है। जब भी देश में कहीं अच्छी और सस्ती शिक्षा की बात होती है
या कोई सरकार कोशिश करती है तो क्यों उसको और महंगा करने की बीजेपी के नेता साजिश करते हैं? प्रकाश जावड़ेकर जी इसका जवाब दें, मुद्दे ये हैं, मुद्दे वो पुराने टेप नहीं है, वो पुराना टेप उनका नहीं चल रहा है। बार बार जांच कराएं, जांच एजेंसी इनके पास में है, कांग्रेस के नेताओं, आपके नेताओं, बीजेपी के नेताओं सबको जेल में डाले, उसमें क्या है मुद्दा? मैं इसीलिए कह रहा हूं सारी जांच एजेंसी आपके पास में, आप जांच करिए जो दोषी है, जिस पार्टी का कोई नेता दोषी है जेल में डालिए, लेकिन मुद्दा से ध्यान नहीं भटकने देगी दिल्ली। दिल्ली का चुनाव मुद्दों पे होगा और मुद्दा दिल्ली का यह है कि बीजेपी शिक्षा के खिलाफ है, बीजेपी महंगी शिक्षा की साजिश करती है, बीजेपी सस्ती शिक्षा के खिलाफ साजिश करती है। मुझे आइडिया नहीं है। नहीं, हम फीस सरकार भरी, क्या उस दौरान या आप उस दौरान के बाद क्या आपकी शिक्षा मंत्री या किसी से बात हुई थी तमाम चीजों को कम करने के लिए, किस तरीके से कंपटीशन? ये तो मेरे सामने अभी आई है ना चीजें कि किस तरह से बीजेपी के नेताओं ने तुरंत अपने सेंटर के नेताओं से संपर्क किया कि अगर ये फीस कम हो गई इस तरह से तो हमारे लिए नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने साजिश करके बीजेपी ने फीस बढ़वाई ताकि पेरेंट्स के ऊपर और बोझ पड़ सके। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने की और केंद्रीय बीजेपी के नेताओं ने उसको माना। बीजेपी के साथ प्रॉब्लम क्या हुई है कि अब ना तो इनके पास कोई मुद्दा बचा है ना नेता। इन्होंने वो कुछ अनऑथराइज कॉलोनी के बारे में बात की थी, मैंने आपके सामने भी ट्विटर पे भी बता दिया, और अब तो वो भी मानने लगे हाँ जी हम रेगुलराइज नहीं कर रहे, तो इनको एक्सपोज करते रहेंगे। दिल्ली का चुनाव मुद्दों का होगा, दिल्ली की जनता मुद्दों को अच्छे से समझती है, दिल्ली की जनता बीजेपी से जवाब मांगेगी कि वो शिक्षा महंगी क्यों करती है, सस्ती शिक्षा की खिलाफत क्यों करती है, सस्ती शिक्षा के अच्छी शिक्षा देने के प्रयासों के खिलाफ साजिश क्यों करती है। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।